नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 61,537 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,88,611 हुई। इनमें से 6,19,088 एक्टिव मामले, 14,27,005 स्वस्थ और 42,518 की मौत। कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 19 कैदियों समेत 53 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 235 हो गई। कोरोना काल में पहले लॉकडाउन और फिर डीजल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से बुरी तरह प्रभावित ट्रांसपोर्टरों ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान। त्योहारों से ठीक पहले 10 अगस्त से 12 अगस्त तक सड़कों पर ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। दुबई से 190 लोगों के साथ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट समेत 18 लोगों की मौत, 125 घायल। भारी बारिश के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर 35 फुट खाई में जा गिरा, दो टुकड़े हुए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों ने हादसे पर जताया दुख। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि विमान दुर्घटना की वजह से प्रभावित हुए यात्रियों और उनके परिजन की सहायता के लिए केरल के कोझिकोड तक 3 राहत उड़ानों का प्रबंध किया गया। कोझिकोड के कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए इस हादसे की वजह मूसलाधार बारिश और टेबल टॉप रनवे बताई जा रही है। यह एयरपोर्ट पहाड़ी काटकर बनाया गया है और आगे गहरी खाई है। हादसे के समय रनवे पर पानी भरा हुआ था। नेपाल और बिहार के जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण राज्य की 8 नदियां उफान पर। बाढ़ की वजह से 16 जिलों की 71 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, 23 लोगों की मौत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी इस मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने कुछ समय पहले मुंबई के खार में एक फ्लैट खरीदा था जिस पर ईडी की निगाह है। रिया को ये फ्लैट करीब 84 लाख का पड़ा था। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव की कोरोना जांच भी की गई जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।